एक्चुअली मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. पाव इज अ शक्ति, पाव इज अ पावर. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. आज बनेगा पाव भाजी, वो भी मुंबई वाला, मतलब जो प्रॉपरली हम लोग मुंबई में खाते हैं वो वाला, जो कि एक्चुअली मम्मी का रेसिपी है. वैसे इसको तुम लोग तवे पे भी बना सकते हो, पर आज हम लोग स्पेशली पाव किलो स्पेशल. नहीं एक्चुअली पाव किलो, एक मिनट क्या बोल रहा हूँ मैं, आधा किलो स्पेशल, आधा किलो पाव भाजी बनाने वाला है. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है. लिटरली आधा किलो सब्सक्राइबर्स हो चुका है, तो थैंक यू सो सो मच. स्मेल कर लो, इट्स लाइक अ सुपर ऑसम. और इसको बाजू में रखो, अभी अभी थोड़ी देर के बाद बिचारे को आराम करने दो, बहुत काम भट्टी में तब के आया है, तो उसको सुलाते हैं अभी. हम लोगों को बहुत सारे वेजिटेबल चाहिए. एक्चुअली देखा जाए तो पाव भाजी के अंदर कुछ भी डालो वो ऑसम ही बनते हैं. इट्स लाइक पाव भाजी के मसाले के अंदर वो फ्लेवर होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बटर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. भाजी गया तेल लेने, बटर बहुत जरूरी है. जितना बटर डालोगे, इस तरह का नहीं, पाव भाजी होती नहीं है, यह बटर भाजी होती है. पर बेसिकली मेरी मम्मी ने इन्वेंशन किया है कि कुकर इज ओके. कुकर को डायरेक्टली हाथ नहीं मारने का. अगर तुम लोग शिमला मिर्ची फैन हो, निकलो निकलो, अपने को देखने ही नहीं है. ऐसे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं इस व्यूज में जिनको शिमला मिर्ची पसंद है. शिमला मिर्ची इज पथेटिक चीज, पर इसके अंदर पड़ती है और वो कहाँ पे चली जाती है. इसे का पाव भाजी इसलिए तो मेरे को पसंद है कि भाई इसके अंदर शिमला मिर्ची पड़ती है, तो मम्मी खुश. और उसके बाद हमें वो शिमला मिर्ची लगती भी नहीं है कि इसके अंदर शिमला मिर्ची है. तो शिमला मिर्ची चाहिए, फूल गोभी चाहिए, और इवन गोभी चाहिए, गोभी डालने की जरूरत नहीं है. पर अगर तुम लोग का है तो डालो ना, क्या ही फर्क पड़ने वाला है. अपुन तुम लोगों को नुस्खा बताएगा भाई. और उसको पूरी तरह से हम लोग ने कुकर के ऊपर लगाया था, और आई गेस 5 सीटियां ली थी. एक्चुअली 5 सीटी लेने की जरूरत नहीं है, 4 भी चलेगी, पर वो लगा दिया है, तो अभी वो तुम लोग देखोगे. तो अभी खुलेगा कुकर एंड देयर वी गो. अपने पाव भाजी का पूरी तरह से भरता बन गया है, मतलब भरता नहीं बना है, बहुत ज्यादा गर्म है. सो ऐसे हाथ लगाना नहीं चाहिए पहली बात तो. पर स्टिल आई एम सुपर डेडेविल, तुम लोग को पता ही है. मौत का नंगा नाच करना इज लाइक मेरी आदत नहीं, मेरी मजबूरी. और ये है आलू, बिकॉज आलू इज लाइक मैंडेटरी चीज. आलू में तुम लोग कमी नहीं कर सकते भाई, कुछ भी कमी करो भाई, मतलब बटर में भी नहीं कमी कर सकते. इट्स लाइक कंफ्यूजिंग लॉजिक, पर तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, आलू और बटर में नो कंजूसी भाई. और फिर अभी हम लोगों को ये आलू पूरी तरह से स्मैश करने है, और ये भाजी पूरी तरह से स्मैश करनी है, और वटाने भी हो चुके हैं. लोग बोलते हैं कि मम्मी का काम इज लाइक अ वेरी पैथेटिक काम, पर नहीं, मम्मी लोगों का काम इज लाइक अ सुपर मस्कुलर. तुम लोग सीरियसली, लड़कियों में मसल बनते नहीं है इसलिए, नहीं तो हमारे सारी मम्मियों के पास लेकर जैसे सम्मान का शर्म आ जाती भाई, क्योंकि हम लोगों को इनको मार पीट के तोड़ मोड़ के पूरा इसका भड़ता बना देना है भाई. पर एक काम कर लेते हैं, हम लोग ओनियन को भूनने के लिए रख देते हैं, तब तक हम लोग फिर स्मैश करेंगे. एक का डबल ना भाई, तेल जितना डाल सकते हो उतना डालो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बाद में वैसे भी बटर आने ही वाला है. ओके, तो जब हमारा ये कांदा हम लोग डालने वाले हैं, उसके साथ हम लोगों को टोमेटो प्यूरी भी चाहिए होगा. ये छोटे छोटे 3 टोमेटो है, ये मैंने पहले तुम लोगों को दिखा सकता हूँ मैं. एक्चुअली मम्मी ने आज जरा ज्यादा ही सोफेस्टिकेटेड सब कुछ लगा के दिया. लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस एंड लुक एट दिस भाई साहब, सब कुछ आज सोफेस्टिकेटेड हो रहा है. ओके, अभी ये जब गर्म हो रहा है तब इसको ऐसे हाथ नहीं लगाने का होता है. आई एम लाइक अ प्रोफेशनल मैन, तो मैं लगा सकता हूँ. मम्मी जी का मसाले वाला पोटली, जीरा डालो, एक्चुअली जीरा ज्यादा डालो. और ये चटकने जैसे ही लग जाए वैसे तुझे नाना चीटा, कभी तो जिंदगी में शर्म नहीं है इस बंदे को, शर्म नहीं है भाई. इतने लोगों के सामने नाक कटवा, तू मेरे नालायक लौंडा ही है. कांड कांड ये भी. अभी हम लोग वो ही करने वाले हैं जिसको बोलते हैं पाव भाजी के लिए कुश्ती अभियान. ये शैंगची देख लिया ना मैंने, इसलिए इतने ज्यादा हाथ चल रहे मेरे. इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे ही कर देते हैं, मतलब हम लोग को कुश्ती करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा. बिकॉज अभी होगा माय धार मर्डर शर्डर. इसको हरे वटाने, हरे वटाने. और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, लेट मी नो, हमारे में इसको रवि बोलते हैं. यस, रवि शास्त्री नहीं, पर ये रवि है. एक्चुअली मम्मी थोड़ी सी टेक्निकली एडवांस है, तो वो एक्चुअली थोड़ी सी मिक्सर में झोलमझाल करती है, या फिर तुम लोगों के पास ऐसे कुछ ग्राइंडर होगा तो इसके अंदर ग्राइंड कर लेना. दैट विल बी इजी स्टेप. पर आज
हम अपने मर्दानगी डोले जो है भी नहीं पर उसका प्रदर्शन करेंगे। ऐसे समझो कि इसने का क्या क्या समझोगे तुम लोग, तुम्हारा दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन अभी मैं किसको नूतन साला हराम खोर नूतन, तेरे को ऐसे ठकार ठुकर करके मार डालेगा भाई। इतना हरामी लौंडा मैंने कभी नहीं देखा था भाई। लोगों को लटका दिया भाई, पोर्शन बढ़ा दिया। वो देख रहे हो क्रिप्टॉन वालों का, देख रहे हो वो चड्डी पहनने वाला ऊपर, नॉनसेंस लौंडा एक नंबर का। केप क्या पहनना है, चड्डी ऊपर क्या पहननी है, अलग ही फैशन है उस बंदे के। डोंट चलो फाय, यहाँ पे जोखम जोखी के मामले में ना यहाँ पे मर्डर हो जाएंगे भाई, मतलब ये जल जाएगा भाई। न्यूटन वासी नहीं, सॉरी क्रिप्टॉन वासी, क्रिप्टॉन न्यूट्रॉन अल्ट्रॉन सबको मार देंगे भाई, थैनोस को भी मार देंगे भाई, चुटकी मारो। ये शक्ति There we go. Puree is done. ये टोमेटो प्यूरे है, इसमें कुछ एडिशनल नहीं है। और इवन ये प्यूरे आजकल तो रेडीमेड मिलती भी है, तो तुम लोग रेडीमेड वाली भी यूज कर सकते हो, पर असली मजा तो खुद बनाने में है। और जैसे ही एक मिनट, एक पंजाबी इंसान मेरे दिमाग के अंदर ऐसे घूमने लगा है जैसे ही मैं ये करता हूँ। तुम लोगों ने वो देखा है संजीव कपूर का खाना खजाना, उसके अंदर एक पंजाबी अंकल है, वो पंजाबी अंकल का ऐसा डायलॉग है कि नमक शमक, उनका ऐसे लॉजिक है कि जैसे ही टोमेटो गिरता है, प्यूरे गिरता है, टोमेटो प्यूरे या फिर सिंपली टोमेटो किसी भी रेसिपी में गिरता है, तब सही टाइम होता है नमक डालने का। और वो अंकल बड़े ऑसमली, वो पंजाबी अंकल मेरे दिमाग पे घूम रहे, नमक शमक करते रहते हैं। तो यह हमारा वो नया ऐसे है ना, वो फुलसो पांगड़ो क्या उसका नाम, वो ऐसे ऐसे डालता है ना नमक, वो तो भाई आज का नया नवेला दुल्हन है भाई। असली तो वो संजीव कपूर के लौंडे ने, मतलब लौंडे अंकल ने, सॉरी वो अंकल जो करते थे ना वो बेस्ट हुआ करता था। सो नमक शमक, आई डोंट नो उनका नाम भूल गया यार मैं। आई गेस नमक डालने के बाद ना वो इजी फटाफट पक जाती है पाव भाजी या फिर कुछ भी, और ऑयल ऐसे छूटना चालू हो जाएगा। एक्चुअली ऑलरेडी छूटना चालू हो गया है, पर और ज्यादा छूटेगा ये और फिर असली मजा आएगा। मर्डर मैन, ओके मुझे सीरियसली स्मैशर लेके आना चाहिए, और मेरी मम्मी राइट है कि इसको मिक्सर में घुमा। क्या ये बहुत धारदार है? ओके इसको मैं यूज करना है, ये बहुत इसका ये एजेस बहुत धारदार है, दो बार मेरे ऑलमोस्ट कटते गया। ऑयल ने अपना जान तोड़ दिया है, वो अभी जाना चाहता है यहाँ से कहीं दूर। मसाले, ये है हमारा नॉर्मल रेड मसाला, और ये है पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला किसी भी ब्रांड का यूज कर लो, इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेम। तुम लोगों के यहाँ पे जो अवेलेबल है वो ये 2 चम्मच है और ये भी 2 चम्मच है। मैंने ये ही नहीं डाला, लुक एट दिस, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना भूल गया था, बिकॉज आई एम डम इंसान, जिंजर गार्लिक रह गया। द मैडनेस बेबी, पाव भाजी की जान, द भाजी। थोड़ा से मसाले और ये मसाले, इतने मसाले डालते हैं। आई नो ये थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, पर डोंट वरी, इसमें अंदर बहुत ज्यादा पानी आने वाला है और बटर आने के बाद सारी चीजें इतनी स्मूथ हो जाएगी भाई साहब, तुम लोग ऐसे उंगलियां चाट लोगे भाई, मैं तो बोल रहा हूँ मोबाइल चाट लोगे भाई। तो अभी हम लोग बॉइल पोटैटोज डालेंगे इसके अंदर, पर उससे पहले सारे पोटैटोज को मैश करना है, और मैश करने का सिंपल तरीका, पहले तो इनको नंगा करो, लेट्स मेक देम नंगा। मैं 4 बटाटे यूज कर रहा हूँ, और गरम बटाटे यूज करोगे तो दैट विल बी ऑसम, ताकि तुम लोगों को ज्यादा अपनी मसल पावर यूज ना करनी हो। अभी होता है सबसे इम्पोर्टेंट मसल यूज करने हम लोगों को, 1 2 3 मर्डर मैन, सबके मर्डर होंगे, सब मिडल में लेने का मर्डर, मिडल में लेने का मर्डर मैन, और पूरा उसको चिंगर मैन। एक्चुअली 2 हाथ यूज करने नहीं चाहिए थे, बट इट्स ओके मैन, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज लव मैन, मैं प्यार कर रहा हूँ बटाटे के साथ, दिस इज नॉट एट ऑल वॉर मैन। तुम लोगों को लग रहा होगा ये वॉर वाला फीलिंग तुम लोगों को ले रहा होगा, पर नहीं, दिस इज प्योर लव। बटाटा इज ऑल्सो हीरो, पर बटाटे के साथ बटाटा कंप्लीट नहीं हो सकता ना, हमारी हीरोइन भी है जिसका नाम है बटर देवी। So, हम लोग बटर देवी को अभी पुकारने वाले हैं, द बटर देवी ऑफ मैनकाइंड। एक मिनट इसको नंगा करो भाई, देयर वी गो, और अभी इसको लेने का, ऐसे उठाने का, बटर इज लव, और ऐसे बोलने का, बटर इज लव, बटर इज लाइफ, और इसको ऐसे रखे, या यू सेट माय सोल ऑन फायर, ऐसे चूमने का, और फिर देयर वी गो मैन। अगर तुम लोगों ने चुमा नहीं
तो बस तुम लोगों की पाव भाजी ऐसी बकवास बनेगी ना भाई, भाई खट्टी पाव भाजी बन जाएगी तुम लोगों की। बटर को चूमना जरूरी है, अगर किसी ने चूमा नहीं और मुझे टैग नहीं किया बटर को चूमते हुए, सो प्लीज मेरे साथ बोलो ही मत तुम लोग। और अब जाएगा द महाकाल, द पोटैटो महाकाल, मतलब स्मैश पोटैटो, मैश पोटैटो, मर्डर किया हुआ पोटैटो या फिर पीटा हुआ पोटैटो, कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग। ऐसा कोई है जो पोटैटो नहीं करता? मतलब सॉरी, आई फील वेरी सॉरी फॉर यू मैन। जल देवता की, जल देवता को डाल दो भाई, जितने जल देवता आएंगे उतना ज्यादा तुम लोगों का काम इजी हो जाएगा भाई। गैस को कर दो फुल और फिर देखो मजे। अभी जो इसको रिचनेस आएगा, अभी जो इसको जो मजा आएगा भाई, वो अलग ही है भाई। तो ये पहले दिन तो अच्छी लगती है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है, पर जितनी ये पुरानी होती जाती है ना, वैसे ही तुम लोग अगर पुराना इसको कर रहे हो, थोड़ा सा पानी डालो इसके अंदर और फिर उबाल लो, और पानी जो है ना उसको पूरा इवेपोरेट होने दो। फिर नेक्स्ट टाइम जब करोगे फिर से उसमें थोड़ा सा पानी डालो और फिर से उबालो। ऐसे अगर तुम लोग करते रहे ना तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली रियलाइज होने लगता है कि वो पाव भाजी का जो फ्लेवर है ना वो एनहेंस होते जा रहा है। और इसी वजह से जो पहली मुंबई में पाव भाजियां बनती थी ना एकदम ऑथेंटिक वाली, वो रात को बनना चालू हो जाती थी 3 बजे वगैरह, और सर्व की जाती थी काइंड ऑफ 9 बजे या फिर 10 बजे जब सबके ऑफिस टाइम्स चालू हो जाते हैं तब। उसके बाद इसको ऐसे उठा के चुम्मा चाटी, देखो बटर इस भाजी का बहुत जान है। काइंड ऑफ मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, पर अमूल का बटर इज लाइक अ बेस्ट बटर। मतलब हमारे मुंबई में इट्स लाइक अ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि न्यूट्रलाइट का बटर है कि अमूल का बटर है, और अमूल का बटर हो तो गुड चॉइस, ऐसे काइंड ऑफ होता है। सो अमूल के बगैर हम लोग जी नहीं सकते भाई। अभी तुम्हें इससे मस्त, तुम्हें जितना इसको घटाना है फिर से पानी डालो, फिर से घटाओ, फिर से पानी डालो, फिर से घटाओ, फिर से पानी डालो, फिर से घटाओ, कितने भी तुम लोग टाइम करोगे इसका फ्लेवर और भी ज्यादा ऑसम होते रहेगा, और भी ज्यादा ऑसम करेगा। पर ध्यान में रखना कि जब लोग पानी अगर डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 1 कप पानी डाला, तो तुम लोगों को उसको घटा के फिर से इसको थिक और स्मूथ करना ही पड़ेगा। सो अब ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसको अभी हम लोग आराम से भूनने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक चलते हैं अभी पाव की ओर। मैन उलट आता जास्त एकदम सुंदर स्मूथनेस येते है। Here we go. अभी देखो थोड़ा सा ऐसे तुम लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ पे कलर अलग है, यहाँ पे टेक्सचर अलग है, मतलब यहाँ पे टेक्सचर अलग है और यहाँ पे टेक्सचर अलग है। ये एक्चुअली तेल निकल रहा है अभी। सो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तेल कम निकल रहा है, जो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा लग रहा है, तो तुम लोग फिर से हमारा बचर ले सकते हो, ऐसे बचर और फिर ऐसे चूम के, देयर वी गो मैम। और बटर को जितना डाल सकते हो डालो बिंदास। तुम लोगों को लग रहा है कि बटर ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा और ज्यादा डाल दो, चलेगा। तुम लोग ऐसे लग रहा होगा मैंने ज्यादा मैश नहीं किया या फिर कुछ और, तो इवेंचुअली जितना हम लोग इसको भूनते हैं उसके हिसाब से उसका थिकनेस कम होते जाता ही है। मतलब वो मरते जाते हैं यार, वो सारी वेजिटेबल्स होती है उनका जीवन मर जाता, वो मर जाते हैं, वो जान दे देते हैं हमारे लिए यार। मुझे जो सुकून मिलता है ना शिमला मिर्ची को मरते हुए देख के इस भाजी के अंदर, वो अलग ही लेवल का मजा है भाई। वो भी इजीएस्ट वे, ये सबसे इजीएस्ट वे है। हार्ड वे तुम लोग यहाँ पे बना सकते हो लेकर तवे के ऊपर, लिटरली तवे के ऊपर ये सारी प्रोसेस तुम लोग को तवे के ऊपर करनी है, पर उसके लिए थोड़ा सा टैलेंट लगता है। बिकॉज अगर तुम लोग मेरी तरह हो, बहुत ही ज्यादा नौसिखिए, तो तुम लोगों का पाव भाजी तवे के ऊपर कम रहेगा और ओटे के ऊपर घूम जाएगा पूरी तरह से। और ये तुम लोग देख रहे हो ना, ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, ये मम्मी ने पीट पीट के मेरे को मारा है ना, उसकी वजह से ये टेढ़ा हो गया है। सो ऐसे तुम लोग के साथ ना हो, तुम लोग के घर पे जो रवि है वो ऐसे टूट ना जाए या फिर टेढ़ा ना हो जाए, इसलिए तुम लोग कढ़ाई में बनाओगे तो दैट वुड बी ऑसम रादर देन तवे के ऊपर। अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता होने देने का है। हियर इज माय शक्ति मैन, हियर इज माय शक्ति, हियर इज माय पावर। इसको दिस मस्त तोड़ने का ऐसे बटर दादा मैन, बटर दादा को ऐसे मस्त घुमाने का ऐसे, और पाव का जो ये स्मूथ वाला हिस्सा है ना उसको यहाँ ऐसे करने का, और फिर ऐसे मस्त। अगर गलती से यहाँ से हाथ घिसा और यहाँ पे गया कि गेम ओवर, सो ये संभल के करना है, फिर ऐसे ऐसे करने का, फिर उसको उल्टा, फिर ऐसे
फिर यहाँ से सेकते रहो मस्त आराम से, और इसको भी ऐसे घूमाते रहो भाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर और उसके साथ फिर से there we go man, ऐसे दिखना चाहिए भाई बटर, there we go, ये कितना क्यूट डिश है, look at this, बहुत ही क्यूट डिश है, इसको यूज करते हैं, बारीक छिला हुआ कांदा और उसके साथ छुरी, ये लॉजिक मुझे पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है नहीं, पर मेरी मम्मी ये हमेशा जो हमारी एक्सपेंसिव वाली छुरी है ना ये वाली, इससे काटने को मना करता हूँ, मतलब ये जो सस्ती वाली छुरी है ना उससे नींबू काटने का, मे बी नींबू से छुरी की जो धार होती है वो खराब हो जाती है, ऐसे कुछ क्या ही बीज है भाई इसके अंदर, प्रेग्नेंट था ये नींबू, बहुत ही ज्यादा प्रेग्नेंट था ये, यस बटर डालना जरूरी है, देयर वी गो, थोड़ा सा बटर और उसके ऊपर फिर से धनिया, ये रहा मेन, ड्रोन शॉट ले रहा है दोनों को, जुम 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 जुम, और एक मिनट खराब तो करना बनता है, यस दैट्स हाउ वी डू जंगली एसईओ डूइंग द जंगली स्टफ, हैशटैग जंगली एसईओ इन अ कमेंट सेक्शन, दैट विल बी सुपर डुपर ऑसम, अगर तुमने पूरा वीडियो देखा है, और उसके साथ ड्रोन शॉट ऑफ मेन चीज, एक मिनट सब बकवास चीजें फेंको, सॉरी सॉरी फुटेज में नहीं आने का, फुटेज में नहीं आने का, हीरोइन यहाँ पे भाई, हीरोइन को आने दो, साइड हो जाओ साइड हो जाओ, देयर वी गो, ड्रोन शॉट, ये पहले कांदा को ऐसे ऐसे डालते हैं ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर डालने का होता है, फिर नींबू को ऐसे निकाल के घुमाने का होता है, उसके बाद इसको एक छोटा सा टुकड़ा लेने का, और सब 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 शक्तिमान पूरा करने का, अबे गंगा मुझे एक हाथ से तोड़ना आता नहीं है, मुझे एक हाथ से लिटरली तोड़ना नहीं आता, दोनों हाथों से तोड़ने का, नो बड़ी कैस में, तुम लोग के मुंह में ही जा रहा है ना खाना, दो हाथ से खाओ एक हाथ से खाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, संस्कार के भाड़ लेने, भाड़ में आराम से शान से उंगलियां चटो और फिर बोलो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड बिकम एन जियो, दैट विल बी सुपर डुपर ऑसम, थैंक यू सो मच, हमारे फाइनली एंड आधा किलो जियोज हो चुके हैं, सो थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग सारे वीडियोज, और अगर तुमने दूसरे वीडियोज देखे नहीं होंगे तो चेक देम आउट, दैट विल बी ऑसम, यहाँ पे कार्ड्स में तुम लोगों को दिख रहे होंगे ऊपर कहीं पे, और इवन डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सर्च करो कुकिंग वीडियोज, तुम लोगों को सारे मिल जाएंगे मेरे वाले, और इवन दूसरे व्लॉग्स भी मिल जाएंगे, मम्मी के साथ खेला है हम लोगों ने माइनक्राफ्ट रिसेंट वीक में, सो चेक दैट आउट, दैट विल बी ऑसम, मिलते हैं और ज्यादा ढांसू ऑसम चीजों के साथ, सो दिस इज एसडीओ टीम साइनिंग आउट, पीस आउट गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, असली मजा भाई तीखे में है।